नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, डॉक्टर सुरभि से 46 लाख रुपए की ठगी की गई है। करीब 24 घंटे तक सुरभि को किया गया था डिजिटल अरेस्ट। ठग खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का बता रहा था अधिकारी। फेडेक्स कुरियर सर्विस से कॉल कर ठगी को अंजाम दिया गया था। सुरभि को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने को लेकर के भी धमकाया गया। साइबर क्राइम थाने में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराया है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया इस मामले पर, और आगे की कार्रवाई अब पुलिस करेगी। जी आपको बता दें, नोएडा से ये बड़ी खबर है, जहां नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, डॉक्टर सुरभि से 46 लाख रुपए की ठगी की जा रही थी। करीब 24 घंटे तक सुरभि को डिजिटल अरेस्ट किया गया, जिसके बाद ठग खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी भी बता रहा था। बता दें, फेडेक्स कुरियर सर्विस से कॉल कर ठगी को अंजाम दिया गया था। सुरभि को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने को लेकर के धमकाया गया, जिसके बाद साइबर क्राइम थाने में पीड़ित ने मामले को दर्ज कराया है और एफआईआर दर्ज करा करके आगे की कार्रवाई की मांग की है। कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा स्थल सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर कानपुर से, जहां लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम और पीएम दोनों ही रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं। आपको बता दें, लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर रहे हैं। बड़ी खबर, जहां जनसभा स्थल सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं कानपुर सेंट्रल पार्क के पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराजगंज से यह बड़ी खबर है, जहां ईंट की दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। जी हां, आपको बता दें, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भट्टे पर मजदूरों द्वारा ईंट निकालने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। भिटौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कहमरिया खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर बेहद दुखद है। बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें महाराजगंज से ये बड़ी खबर है, जहां ईंट की दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। वही 6 लोग घायल भी बताया जा रहा है। 6 मजदूरों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। भट्टे पर मजदूरों द्वारा ईंट निकालने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिटौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमरिया खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिपाही विशाल त्यागी ने सरकारी पिस्टल घात की है। जी आपको बता दें, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर सिपाही विशाल त्यागी ने सरकारी पिस्टल को ही घात करवा दिया है। जी आपको बता दें, चुनाव ड्यूटी से लौट करके विशाल ने सिर्फ कारतूस जमा किए हैं। गोमती नगर थाने में तैनात है सिपाही विशाल त्यागी। सिपाही पिस्टल व कारतूस लेकर के चुनाव ड्यूटी पर गया हुआ था। सिपाही विशाल त्यागी के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से देख रहे हैं आप, जहां लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। इसी क्रम में ये एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सिपाही विशाल त्यागी ने सरकारी पिस्टल गायब किया है। जी आपको बता दें, आरोप है कि चुनाव ड्यूटी से लौट करके विशाल ने सिर्फ कारतूस जमा किए। गोमती नगर थाने में सिपाही विशाल त्यागी तैनात हैं। आपको बता दें, सिपाही पिस्टल व कारतूस लेकर के चुनाव ड्यूटी पर गए थे, लेकिन उसके बाद सिपाही विशाल त्यागी ने केवल पिस्टल वापस की है, कारतूस वापस नहीं किया, जिसके बाद सिपाही विशाल त्यागी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो कैंसिल हो गया है। जी आपको बता दें, फर्रुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो होने वाला था,
जो कि अब कैंसिल हो गया। आपको बता दें कार्यकर्ताओं में रोड शो कैंसिल होने से मायूसी छा गई है। चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज 5 बजे से हो जाएगा बंद। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर फरुखाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज रोड शो होने वाला था फरुखाबाद में, लेकिन अब इस रोड शो को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें जिसके बाद कार्यकर्ताओं में रोड शो कैंसिल होने से मायूसी छाई हुई है। चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे भी थम जाएगा। आज शाम 5 बजे चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो भी अब कैंसिल हो गया है। बता दें जिसके बाद कार्यकर्ताओं में अब मायूसी का माहौल देखने को मिल रहा है। फरुखाबाद से ये बड़ी खबर है। पीलीभीत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें मैगी खाने से 6 लोगों को हुई है फूड पॉइजनिंग। एक परिवार के 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी लोगों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इलाज के सुधार ना मिलने पर पहुंचे हैं सीएससी पूरनपुर थाना हजारा क्षेत्र के राहुल नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक ही परिवार के 6 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें मैगी खाने से सभी की तबीयत खराब हुई है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर है, जहां मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की मौत भी हो गई है। वहीं मैगी खाने से 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग का मामला भी सामने आया। एक परिवार के 6 लोगों की फूड पॉइजनिंग से हालत बिगड़ी हुई बताई जा रही है। सभी लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज में सुधार ना मिलने पर सीएचसी पूरनपुर में भर्ती कराया गया है, थाना हजारा क्षेत्र के राहुल नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कन्नौज से, ये बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। जी आपको बता दें देश में एक ही आवाज फिर एक बार मोदी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। साथ ही देश भर में भाजपा का परचम लहराने की बात भी कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि देश में एक ही आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश का संकल्प पूरा होगा, 80 की 80 सीटें पर बीजेपी की जीत होगी। बड़ी खबर कन्नौज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सीएम और पीएम जनसभा को संबोधित कर रहे, रैलियां कर रहे। इसी क्रम में ये बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। जी आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भाजपा के परचम को लहराने की बात कही है, साथ ही जीत के भी दावेदारी को ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि देश में एक ही आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। वही उत्तर प्रदेश का संकल्प भी पूरा होगा, 80 की 80 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अमरोहा से, ये बड़ी खबर है, जहां अमरोहा में हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो गई है। शादी से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई है। जी आपको बता दें लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमरोहा से ये बड़ी खबर है, जहां अमरोहा में हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं शादी से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई है। शव के स्पुर्दे खाक होने से बुआ की मौत हो गई है। गम के चलते बुआ की भी मौत हो गई है। बता दें दूसरी जगह बारात की चढ़त हो रही थी, बग्घी चलाने वाले के सीने में दर्द हुआ और उसके बाद मौत हुई है। जी हां ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शादी से पहले दुल्हन की मौत हो गई है, साथ ही हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हुई है। अमरोहा से ये बड़ी खबर है, जहां हार्ट अटैक के लगातार बढ़ते मामले को देखा जा रहा है। इसी क्रम में ये बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हुई है। वही शादी से पहले दुल्हन की भी मौत हो गई है। इसी दौरान स्पुर्दे खाक होने से बुआ की भी मौत हो गई है। बता दें गम के चलते बुआ की मौत हुई है। दूसरी जगह बारात की चढ़त हो रही थी, वही बग्घी चलाने वाले के सीने में दर्द होने के बाद उसकी भी मौत हो गई है।